थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर के कसरावद स्थानांतरण के बाद अजाक थाना खरगोन से उप थाने में पदस्थ टीआई सुनीता मुजालदे ने बुधवार को अपना चार्ज लेने के बाद आज क्षेत्र के प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फूलबाई मंदिर में माता रानी के दर्शन किए हैं। गुरुवार प्रातः अपने स्टाफ के साथ मंदिर पहुंची सुनीता मुजालदे ने मंदिर दर्शन पश्चात माता रानी के मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी लेते हुए पूरे मंदिर का भ्रमण किया। माता के उद्गम बुराड़ नदी की कहानी को भी समझा। इसके बाद टीआई ने मंदिर परिसर में बने सामुदायिक भवन, सभागृह और भोजनशाला के साथ गौशाला का निरीक्षण करते हुए नवरात्रि में होने वाले उत्सव को लेकर प्रतिदिन आने वाले भक्तों की संख्या के बारे में भी पूछा। इस अवसर पर प्रेस क्लब सेगांव से विशेष चर्चा की गई। टीआई मुजालदे ने कहा कि क्षेत्र माता रानी कृपा से काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर कोरोना महामारी में अब तक एक भी पॉजिटिव ना आना माता रानी की कृपा ही तो है। हम सब मिलकर इस क्षेत्र को और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। महिलाओं पर किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो, क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां किसी भी प्रकार से ना बढ़े, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। चौकी प्रभारी राजेंद्र आवासे के साथ पुलिस स्टाफ मंदिर परिसर ट्रस्ट के सदस्य मौजूद थे। से गाँव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज ऊन थाने में आपने चार्ज लिया सेगांव माँ लालबाई फूलबाई दर्शन करने के लिए। इस समय कोरोना महामारी चल रही है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं वो एक तो मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आवश्यक से, मतलब जो मंदिर में पुजारी वगैरह हैं वो लोग उसका पालन करवाएं अच्छे तरह से। क्षेत्र में क्या विशेष आपका उपलब्धि रहेगी यहाँ काम करने की? महिला संबंधी जो अपराध घटित हो रहे हैं, मतलब बढ़ोतरी हो रही है इसमें, इसकी रोकथाम करना और फिर जो भी अवैध गतिविधियां हो रही है उस पर प्रतिबंध लगाने का विशेष रूप से कार्य रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।